हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज थोड़ा सा तबीयत मेरा बेटर लग रहा है और मैंने आज लिया है वीक ऑफ, इमरजेंसी लीव। तो 10 तो बज गए हैं, सोचा रूम पे बैठ के पूरे दिन क्या करूँगा, और रूम के अंदर बहुत ठंड लग रही है भाई, कसम से। तो फाइनली मैं अभी निकल रहा हूँ दिल्ली घूमने के लिए। तो पहला मेरा जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा हुमायूं टॉम्स, हुमायूं का मकबरा जो निजामुद्दीन के पास है। और सेकंड हम जाएंगे अग्रसेन की बावली, और टाइम मिला तो आज हम जाएंगे रेल म्यूजियम देखने। तो अभी मैं निकलता हूँ। और भाई सामने देख रहे हो, मैंने अपने कपड़े दरवाजे पे टांगे हैं ना, उसने तो मेरा हार्ट अटैक कर दिया। वो दरवाजे पे पता नहीं कैसे सीढ़न आ गया और मेरे सारे कपड़े भीग गए। मैं कल ड्यूटी क्या पहन के जाऊँगा यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी इसको वापस आके इस्त्री करके सुखाऊँगा। तो चलते हैं अभी घूमने के लिए। सो फाइनली दोस्तों, आ गया घर के बाहर। धूप तो नहीं निकली है लेकिन कोहरा भी नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी चल रहा हूँ मैं पहले बस स्टैंड के बाद वहाँ से बस पकड़ के जाऊँगा छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और फिर वहाँ से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन उतर के फिर मैं जाऊँगा हुमायूं टॉम्स। तो भी फटाफट निकलते हैं, नहीं तो हो जाएगा लेट। फाइनली दोस्तों, पहुंच गया छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और चलता हूं फटाफट, लेता हूं टिकट लेके निकलता हूं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। पहुंच गया छतरपुर मेट्रो स्टेशन। एक ट्रेन तो आ चुकी है लेकिन मैं उसे नहीं लूँगा, दूसरी ट्रेन लूँगा। और ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलते हैं, सॉरी, ये गुड़गांव के लिए है, अभी यहाँ की नहीं आई। भाई अभी उतर गया हूँ सेंट्रल सेक्रेट, केंद्रीय सचिवालय। अब यहाँ से ट्रेन बदलूँगा और फिर जाऊँगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और वहाँ से फिर हुमायूं टॉम्स। तो अभी कर रहा हूँ ट्रेन का वेट, और जैसे ही ट्रेन आती है निकलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आ गया मैं मेट्रो से बाहर, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस केवल 5 से 6 मिनट है हुमायूं टॉम्स। और धूप भी भाई बहुत अच्छी निकली हुई है, काफ़ी अच्छा। मतलब सुबह जब मैं निकला था तो बिल्कुल धूप नहीं थी, अभी बहुत अच्छी धूप निकली है। और चल रहा हूँ टॉम्स के पास, हुमायूं टॉम्स के पास, और फिर अंदर घूमते हैं। भाई पहुँच गए हुमायूं टॉम्स, ये देखो कितनी क्राउड जा रही है। और इधर है सामने हुमायूं का मकबरा लिखा हुआ है, ये रहा हुमायूं का मकबरा, और इधर से है मस्त एंट्री। चलते हैं भाई अंदर, लेते हैं टिकट। ये लगी है टिकट की लाइन, और यहाँ पे जो टिकट है वो है 40 रुपये की। पहले टिकट लेते हैं भाई। ये है एंट्री गेट, यहाँ से फॉरेनर और इंडियन दोनों के लिए एंट्री है। और अब हम एंटर कर रहे हैं हुमायूं टॉम्स के अंदर, और आप देखो कितना मस्त धूप निकला हुआ है। Thank you.
आ गए फाइनली हम मायू के मकबरे के अंदर, और इधर आप देखो ये पानी का फव्वारा चल रहा है, कितनी क्राउड आई है और कितना मस्त लग रहा है, एकदम लाइक दैट आगरा के ताजमहल जैसा एकदम दिखाई पड़ रहा है। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है। और सामने सीढ़ी बनी हुई है अंदर जाने के लिए, और ये आप देखो कितना मस्त पानी का फव्वारा है। और इस साइड जो है ये पूरा गार्डन बना हुआ है, और आपको यहाँ फॉरेनर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। भाई ये जो हुमायूं का मकबरा है ये 1556 ईस्वी में हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 ईस्वी में। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी हमीदा बेगम, उन्होंने 1565 में इसे बनाना स्टार्ट किया था, और 1572 में बन के बना था। और इसमें जो पत्थर लगे हैं वाइट संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर लगे हैं, जो आगरा और राजस्थान से लाए गए थे। लाने का उस समय जो प्रमुख साधन था वो तो हाथी घोड़े ही थे, और काफ़ी अट्रैक्टिव बना है। इसमें जो है हुमायूं की डेथ के बाद इसे बनाया गया था उनके याद में। तो चलते हैं थोड़ा सा इसे अंदर से देखते हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसे नक्शा इसमें दिया गया है, और इसे बनाने वाले जो थे वो आए थे अफ़गानिस्तान से। तो चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं। सो गाइस आप देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ये ताजमहल में। ताजमहल तो कभी आगरा गया नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी जो डिजाइन है वो सेम ताजमहल से मिलती रहती है। तो बाहर से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे ही है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन उतर के 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से आ सकते हो। तो इसे थोड़ा और अंदर से देखते हैं। सो फाइनली चलते हैं अंदर और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर से भी देखेंगे इसमें और क्या क्या है। देखो इस साइड पूरा एक कटिंग से बनाया गया है मस्त, इसमें कलर वलर किए गए हैं, अच्छी डिजाइन से। तो भाई ये है ऊपर गुंबज बना हुआ है, इसके अंदर भी जा सकते हैं, और कितना मस्त डिजाइन से बनाया गया है। आप देख रहे हो इसमें संगमरमर और लाल पत्थर लगाए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसके बाहर का आप देखो सीन, ये सामने वहाँ पे मेन एंट्री गेट है, और काफ़ी ये पूरा ऐसा फ्लोर जैसा खाली बना पड़ा है, और कितनी अच्छी अच्छी कटिंग्स बनाई गई हैं इसमें, आप ये आप देखो। और इसके अंदर भी डिजाइन है, देख रहे हो कितना मस्त डिजाइन किया गया है। तो थोड़ा चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। भाई ये देखो किसी के मकबरे बने हुए हैं, और ये है अंदर का सीन। आप देखो कितना मस्त यहाँ से डिजाइन किया गया है, और इसमें ऐसे मतलब कटिंग बाई कटिंग ऐसे ही है। एक दरवाज़ा इधर से है, अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी आपको मकबरा मिलेगा देखने के लिए। इसमें भी आप देखो इस तरीके से कटिंग है, अंदर तो लाइट नहीं है। और यहाँ से एंट्री करते हैं, थोड़ी सी धूप टाइप आ रही है, और आप इधर देखो कितने फॉरेनर्स आए। मेन यही है, जो मेन है यही है, और इसी के ऊपर बढ़िया वो पीले कलर का गोल्डन कलर का जो लगाया गया है वो इसी के ऊपर लगाया गया है, और जो सबसे बड़ा मकबरा है यही है। और चलते हैं इसमें और साइड में देखते हैं क्या क्या है। भाई यहाँ भी 3 मकबरे रखे गए हैं, और ये सब संगमरमर से ढके गए हैं। और आप देखो इसके अंदर का डिजाइन कितना अच्छा है, मस्त इसमें डिजाइनिंग किया गया है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, ज़बरदस्त।
फाइनली दोस्तों हमने हुमायूं का मकबरा पूरा घूम लिया, बहुत मज़ा आया। और इसमें जो है हुमायूं और हुमायूं के फैमिली मेंबर्स का मकबरा मतलब बनाया गया है। और यहाँ पे जो आपको मिलेंगे काफ़ी टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे, बड़ा गार्डन है, काफ़ी अच्छी डिजाइन से बनाया गया है इसे, तो एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बनाया गया है और उतनी ही टूरिस्ट भी आई है, तो मुझे घूम के बहुत मज़ा आया। आज मेरा वीक ऑफ था तो मैं भी घूमने चला आया और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल आप विद फैमिली यहाँ पे आ सकते हो, और बहुत अच्छी धूप भी निकली है। तो भाई इन सब जगहों पे घूमने के लिए ठंडी सबसे बेहतर होता है, और यहाँ पे गार्डन भी बहुत अच्छा बनाया गया है। सो फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारा हुमायूं का मकबरे का ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं किसी नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।